ग्रेटर नोएडा में एक सुनार की दुकान में अचानक ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान में लगी भीषण आग से शटर टूटकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना थाना क्षेत्र इलाके के मुख्य बाजार की है, जहां दुकान में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अचानक आग लगी और धमाके की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, और यहाँ देख सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था कि दुकान का जो शटर था उसके परखच्चे उड़ गए। इस बात की बनी मोटी चादर वो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई। सुनार की दुकान में ये भयानक धमाका हुआ है। भारी नुकसान हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शटर 100 मीटर दूर जाकर के गिरा। अचानक हुए धमाके से लोगों के होश उड़ गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ। अब इस मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में ये धमाका हुआ है, मुख्य बाजार में सुनार की दुकान में ब्लास्ट से बवाल। धमाका इतना जोरदार था कि मोटी जो शटर थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कई टुकड़ों में बट चुकी है शटर, और शटर के टुकड़े बिखरे हुए हैं चारों तरफ। संवाददाता तरुण भडाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, हैरान करने वाली बात है कि दुकान में, सुनार की दुकान में ऐसा धमाका हुआ जो जिसकी वजह से लोहे की मोटी शटर जो थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर अभी तक क्या पता चला, यह धमाका हुआ कैसे? जी बिल्कुल, आप बता दें आज धनतेरस का दिन है, आज सुबह से ही बाजार में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे की घटना है, जो ज्वेलरी शॉप है मुख्य बाजार का मामला है। जो शटर है वो मोटे शटर थे जो सेफ्टी के अनुसार लगवाए हुए थे, लेकिन ज्वेलरी शॉप में अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी अभी तक जानकारी नहीं लगी। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास के लोगों को पूरा इसकी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां भगदड़ मच गई। जो शटर थे मोटी चादर के बने हुए थे, चद्दर से बने हुए, क्योंकि चोर उसमें के हिसाब से चोरी ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो ब्लास्ट हुआ है उन्होंने ब्लास्ट की वजह से वहां पूरी तरह वहां जो परखच्चे हैं शटर के उड़ गए। आसपास उसकी जो चादर है दूर दूर तक 100-150 मीटर तक दूर जा गिरी, जिसके बाद अभी तक ब्लास्ट का कोई भी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार ब्लास्ट हुआ किस कारणों की वजह से, जिसके बाद ब्लास्ट की वजह से दुकान में ज्वेलरी शॉप में आग भी लग गई। स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक जो व्यापारी है वो सहमे हुए हैं, पूरा दहशत में है बाजार, क्योंकि इसमें बड़ा हादसा भी टला है। क्योंकि धनतेरस का दिन है, अगर यही हादसा अगर दिन में होता तो आसपास जो भीड़ थी, लोग थे, शॉपिंग करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती थी। जी तरुण, इस मामले में क्या जो दुकानदार हैं जिनकी ये दुकान थी उनका कोई बयान आया है? आखिर उनकी दुकान में ऐसा क्या रखा हुआ था जिससे इतना जोरदार ब्लास्ट हो गया? क्या कोई केमिकल था, कोई विस्फोटक था, या कुछ और पदार्थ? इस मामले में क्या शुरुआती जांच अभी किस दिशा में जा रही है? जी बिल्कुल, दादरी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो ज्वेलरी शॉप के जो ओनर हैं, उन जो मालिक हैं, उनसे बात हुई हमारी, उसके बाद उनका साफ तौर पे कहना था ऐसा कोई ज्वेलरी पदार्थ नहीं था दुकान के अंदर, लेकिन ज्वेलरी शॉप के अंदर इन्वर्टर बैटरी भी लगे हुए थे, जिससे भी एक तरफ देखा जा रहा, क्योंकि वो भी वहां फटे हुए थे और जो आसपास सामान था पूरी तरह जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। तो इससे भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्वर्टर बैटरीज हैं उनसे भी ब्लास्ट होने की संभावना जताई जा रही है। जी, काफी ये हैरान करने वाला है ये वाकया, किस तरह से अगर ये बैटरी का ब्लास्ट है तो ये बैटरी तो इन्वर्टर तो लोगों के घरों में भी होता है। खैर, इस मामले की तफ्तीश के बाद ही असल सच्चाई पता लग पाएगी। बहुत शुक्रिया तरुण पूरी जानकारी के लिए।